नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कमिश्नर के आदेश पर एक युवक का डेड बॉडी कब्र से निकाली गई। बुधवार को एसीएम गुलशन कुमार की निगरानी में आदिल की डेड बॉडी को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। इससे पहले पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई थी। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 11 में रहने वाला इलियास ने बताया, उसका बेटे आदिल को नशे की लत थी। काफी कोशिश के बाद आदिल ने नशा नहीं छोड़ा। तब उन्होंने आदिल को पिलखुवा के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। जिस नशा मुक्ति केंद्र में उसे भर्ती कराया गया, उसे दीपक राणा नाम का शख्स चलाता था। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने के 3 दिन बाद उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिता इलियास का आरोप है कि उसके बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में टॉर्चर किया गया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। जब उन्होंने इस बारे में नशा मुक्ति केंद्र के संचालक दीपक राणा से बात की, तब उसने धमकी देते हुए कहा, अगर किसी को शिकायत की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। धमकी मिलने पर उसने तब अपने बेटे की डेड बॉडी को सुपुर्द खाक कर दिया। इस मामले में इलियास ने 29 दिसंबर 2017 को कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार को शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के बाद कमिश्नर ने शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। बुधवार को एसीएम गुलशन कुमार की निगरानी में आदिल के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की प्रोसेस शुरू कराया। एसीएम और पुलिस की मौजूदगी में बालेमिया कब्रिस्तान से आदिल का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। एसीएम गुलशन कुमार ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण की वजह स्पष्ट होगी, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।